नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में मसालों के अंदर अगेन एक पॉजिटिव ट्रेंड आते हुए देखा। वहीं अगर हम बात करें ग्वार सीड ग्वारगम की, तो वहाँ पर हमने नेगेटिव ट्रेंड ऑब्जर्व किया। कैस्टर के अंदर भी नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला, हालांकि कॉटन पैक के अंदर भी हमने कल एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी। आज के लिए मार्केट एक मिला जुला रुख में रहेगा, जबकि यहाँ पर हम मसालों में तेज़ी देख सकते हैं, तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। कॉटन सीड ऑयल के, ग्वार सीड ग्वारगम, कैस्टर के अंदर बिकवाली का ट्रेड लेकर चल सकते हैं। मेंथा ऑयल में खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। टेक्निकल लेवल इस प्रकार है, जीरा सपोर्ट 22,250, रेजिस्टेंस 22,800, टर्मरिक सपोर्ट 9,800, रेजिस्टेंस 10,100, कोरिएंडर सपोर्ट 12,300, रेजिस्टेंस 12,900, कॉटन सपोर्ट 43,000, रेजिस्टेंस 43,400, कॉटन सीड ऑयल केक सपोर्ट 2,990, रेजिस्टेंस 3,070, ग्वारगम सपोर्ट 12,100, रेजिस्टेंस 12,500, ग्वार सीड सपोर्ट 6,300, रेजिस्टेंस 6,500, कैस्टर सपोर्ट 7,050, रेजिस्टेंस 7,200, मेंथा ऑयल सपोर्ट 1,120, रेजिस्टेंस 1,150। आज के लिए मसालों में खरीदारी कर सकते हैं। कॉटन सीड ग्वार सीड ग्वारगम कैस्टर में बिकवाली का ट्रेड बना के चल सकते हैं, जबकि मेंथा के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।